स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, ढका हुआ गमला। प्रायः घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। अगर हम सोचकर देखें तो वे भी किसी ना किसी रूप में हमारे लिए काम आती हैं। तो जो हमारा जो आज का जो ये चैप्टर है वो इसी से संबंधित है। आइए पढ़ते हैं हम चैप्टर 8, ढका हुआ गमला। अनु के घर की बालकनी में एक छोटी सी बगिया थी। गमलों में धनिया, पालक, मेथी, पुदीना और कुछ अन्य सब्जियों के पौधे थे। रोज़ सुबह नानी माँ बालकनी का दरवाज़ा खोलकर पहले तुलसी के पौधे में जल देती, फिर सब पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कोमल हाथों से सहलाती, साथ साथ कुछ भजन भी गुनगुनाती रहती थी। अनु जो थी, उसके घर में एक बालकनी थी छोटी सी, और उसमें उन्होंने क्या कर रखा था, जो उनकी नानी माँ थी, उन्होंने एक छोटी सी बगिया बना रखी थी जिसमें उन्होंने सब्जियों के बहुत सारे पौधे लगा रखे थे, जिसमें से धनिया, पालक, मेथी आदि जो सब्जियाँ थी उनके उन्होंने पौधे लगा रखे थे। रोज़ सुबह वह क्या करती थी, बालकनी का दरवाज़ा खोलती थी, सबसे पहले वो तुलसी के पौधे में जल देती थी और उसको कोमल कोमल हाथों से सहलाती थी, साथ साथ वो भजन भी गुनगुनाती रहती थी, यानी भजन भी गाती रहती थी। एक दिन अनु स्कूल से घर आकर अपनी बालकनी की बगिया को निहार रही थी, तभी ढके हुए एक गमले पर उसकी नज़र पड़ी। एक दिन जब वह स्कूल से घर आई तो बालकनी की जो बगिया थी उसको बड़े प्यार से देख रही थी, तभी एक ढके हुए गमले पर उसकी एक नज़र पड़ी। उसने ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें फल सब्जियों के छिलके, इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती, कुछ मिट्टी भी थी, कुछ गंध भी आ रही थी। अनु ने मुंह बनाया और ढक्कन लगा दिया। सोचने लगी, माँ फल सब्जियों के छिलके इसमें क्यों डाल देती है। जब उसने उस ढके हुए गमले का ढक्कन हटाकर देखा तो उसको उसमें से गंध आ रही थी, क्योंकि उसमें जो है सब्जियों के छिलके और इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी जिससे उसमें गंध आ रही थी, उसमें कुछ मिट्टी भी पड़ी हुई थी। तो उसने सोचा, अनु ने, कि माँ ने इनमें ये सब चीज़ें क्यों डाल दी हैं। माँ भूख लगी है, कहती हुई अनु अंदर आ गई। डलिया में केले और संतरे रखे हैं, तुम खाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, एक काम करना, बालकनी में एक ढका हुआ गमला रखा है, छिलके उसमें डाल देना, माँ ने कहा। तो जब अनु अंदर आ गई तो उसने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तो उसकी माँ ने कहा कि डलिया में केले और संतरे रखे हैं, तुम खा लो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ, और जो छिलके होंगे उनको तुम उस ढके हुए गमले में, बालकनी में एक ढका गमला रखा है उनमें डाल देना। तो वह कूड़ेदान है क्या, अनु ने पूछा। अनु ने कहा, क्या वह कूड़ेदान है जो उसमें छिलके डालने हैं। इतने में नानी माँ भी अपने कमरे से बाहर आ गई। वे अनु को प्यार से समझाने लगी, अनु, इन छिलकों को पौधों की मिट्टी में मिला देते हैं, यह खाद का काम करते हैं, इन्हें समय समय पर पानी और धूप भी मिलती रहती है, तभी तो सब पौधे कितने स्वस्थ और हंसते खेलते से नज़र आ रहे हैं। जब अनु ने माँ से कहा कि क्या वह गमला कूड़ेदान है, तब नानी माँ अपने कमरे से बाहर आई और उन्होंने अनु को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, इन छिलकों को पौधों में मिला देते हैं, ये खाद का काम करते हैं, जो ये छिलके हमने इस ढके हुए गमले में रखे हुए हैं, इन छिलकों को मिट्टी में मिला देते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे खाद का काम करते हैं, इनसे जो है समय समय पर, और इन्हें समय समय पर पानी और धूप भी मिलती रहती है, तो इससे जो ये पौधे हैं ये स्वस्थ रहते हैं। यह तो बहुत अच्छा है नानी माँ, इससे कूड़े का सही उपयोग भी हो जाता है, मैं भी एक पौधा लगाऊंगी, मुझे भी एक खाली गमला दे दीजिए, अनु ने इठलाते हुए कहा। अनु ने दादी अपनी नानी से इतराते हुए कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि इनसे छिलकों से खाद बन जाती है जो हमारे पौधों में काम आती है, लेकिन नानी माँ मुझे भी एक इसमें और कूड़े का सही उपयोग भी हो जाता है, मैं भी एक पौधा लगाऊंगी, आप भी मुझे एक गमला दे दीजिए। खाना खाकर अनु ने माँ से मिट्टी भरा गमला लिया, उसमें टमाटर के बीज बोए और बालकनी में दूसरों गमलों के साथ रख दिया। तो इस प्रकार से अनु ने जब खाना खा लिया तो उसने अपनी माँ से एक मिट्टी भरा, यानी उसमें मिट्टी डली हुई, गमले के अंदर मिट्टी डाली हुई थी, वो गमला अपनी मम्मी से ले लिया और उसमें उसने क्या किया, टमाटर के जो बीज थे वो बो दिए और दूसरे गमलों के साथ जो गमले बालकनी में रखे हुए थे उन गमलों के साथ उसने अपना गमला भी रख दिया। कुछ ही दिनों में पौधा बीज से बाहर आ गया। नानी माँ भी मदद से अनु ने उनमें छिलकों का मिश्रण डाला।
वह रोज़ उसमें पानी देती और स्कूल से आकर सबसे पहले अपने प्यारे पौधे को देखने जाती। अब उस पौधे में फूल आने लगे थे। कुछ ही दिनों बाद जो पौधा अनु ने लगाया था उसमें जो बीज थे वो पौधा जो है बीज से बाहर आने लगा, यानी उसमें पौधा आ गया। नानी माँ की सहायता से उसने जो है वो छिलकों वाला मिश्रण जो कि उस ढके हुए गमले में था वह भी उसमें डाल दिया। वह रोज़ उसमें पानी देती, जब भी वह स्कूल से आती अपने प्यारे पौधे को देखती। जब अब उस पौधे में फूल आने लगे थे। एक दिन रोजाना की तरह अपनी बालकनी में गई तो उसने उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसके लगाए पौधे में नन्हे नन्हे टमाटर आ गए थे। जब एक दिन जैसे वह रोजाना बालकनी में जाती थी स्कूल से आने के बाद, तो एक दिन वह गई तो उसने देखा कि उसकी जो उसने पौधा लगाया था टमाटर का उसमें जो है नन्हे नन्हे टमाटर आ गए थे, तो वह यह देखकर बहुत ही खुश हुई। तो आप जो है इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेना। यह चैप्टर है यह चैप्टर है हमारा ढका हुआ गमला, यानी उस ढके हुए गमले का राज। उसमें नानी माँ क्या करती थी, जो बची कुची चीज़ें हैं यानी आलू के सब्जियों के जो छिलके हैं या चाय की पत्ती है, इस तरह की चीज़ें डाल देती थी जो कि हमारी खाद बन जाती है। मिट्टी के साथ मिलाकर उसको अगर हम उसमें डालें गमले में या मिट्टी में डालें तो वह खाद का काम करती है, इससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने घर की जो बची हुई चीज़ें हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप अब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे।